इसलिए कि बगैर इल्म के अमल नहीं आया करता। इल्म ईमान की तरफ लाता है, यकीन की तरफ लाता है, और ईमान और यकीन कन्विक्शन ये इंसान को अमल की तरफ लाता है। मैं यहाँ जनाब सैयद साहब की खिदमत में अर्ज करूँगा कि इसके फौरन बाद एक आयत आ रही है, आयत का तर्जमा है वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्ज, कि हमने तुम्हें जमीन में इख्तियारात देकर भेजा, वजअलना लकुम फीहा मआइश, और तुम्हारे लिए हमने जिंदगी गुजारने के तरीके हमने बयान किए हैं। इख्तियारात देके भेजा, जिंदगी गुजारने के असबाब हमने तुम्हें दिए। अफसोस तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुम्हें अपने इख्तियारात का ही पता नहीं चला, तुम्हें जिंदगी गुजारने के सही तरीके ही मालूम नहीं हुए। कलीलम मा तशकुरून, यही वजह है कि तुम में से बहुत कम लोग हैं जो शुक्रगुजार इंसानों की से जिंदगी गुजारते हैं। इस आयत के बाद तो किस्सा आदम इबलीस शुरू हो गया, और इस किस्सा आदम इबलीस को हम पहले भी बयान कर चुके हैं